मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सेवन चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। आज अपन मैथ्स का सेवन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। सिक्स चैप्टर बाद में करेंगे, सिक्स चैप्टर थोड़ा लंबा है ना, तो वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे। पहले अपन सेवन चैप्टर करेंगे क्योंकि सेवन चैप्टर थोड़ा छोटा और अच्छा भी है, ठीक है। सेवन चैप्टर का नाम है जियोमेट्री। जियोमेट्री को अपन हिंदी बोलते हैं रेखा गणित। क्या बोलते हैं? रेखा गणित। वी हैव लर्नड सम ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द प्रीवियस क्लास। वी हैव आल्सो लर्न अबाउट लाइन्स। रिकॉल योर अंडरस्टैंडिंग वाई इंजॉइंग द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि अपन ने इससे पहले वाले क्लास में कुछ शेप्स आकार पढ़े थे इस, और अपने उसके बारे लाइन्स के बारे में पढ़ा था कि रेखा कैसी कैसी होती हैं। अपन क्या करेंगे, उसको दोबारा समझेंगे कि कैसी कैसी होती हैं, ठीक है। लुक एट द पिक्चर गिवन अबव, टेक द गिवन ब्लू, टिक द करेक्ट बॉक्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका शेप बताना है कि ये कैसे शेप है। ये कौन शेप का है? क्यूबॉइड। इसका शेप कैसा है? क्यूबॉइड जैसा। ये कॉपी, इसका शेप कैसा है? क्यूब जैसा। ये क्या है? सर्कल। सर्कल का शेप कैसा है? स्फीयर जैसा। ये कैसा लग रहा है? सिलेंडर के जैसा। ये कॉन के जैसा। और ये रेक्टेंगल, ठीक है। इसका आकार पूछ रहा है कि इसका आकार कैसा है। बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, अपन बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट कुछ बातें हैं ज्योमेट्रिक से रिलेटेड, वो अपन रेखागणित से रिलेटेड वो अपन पढ़ेंगे। ज्योमेट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, जियो एंड मेट्रोन, वेयर जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। ज्योमेट्री जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड मेट्रोन। जियो का मतलब क्या है? अर्थ, पृथ्वी। और मेट्रोन का मतलब क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब होता है नापना। क्या होता है? नापना। किसी भी चीज़ को अपन नापते हैं उसे मेजरमेंट बोलते हैं। ज्योमेट्री डील विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट। इसमें अपन ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं? सिर्फ नापना, मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। मेजरिंग की, कैसे किस चीज़ को नापते हैं, मेजर कैसे करते हैं। सबसे पहला है पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट। अ पॉइंट हैज़ नो शेप और साइज। पॉइंट जो होता है उसका कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, मतलब कोई आकार नहीं होता और उसका कोई वो नहीं होता साइज़ कि वो कितना बड़ा है या छोटा है। इट आल्सो डज नॉट हैव लेंथ और विड्थ। अब उसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, ना वो लंबा होता है ना वो चौड़ा होता है। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। पॉइंट्स आर जनरली यूज टू टेल द पोजिशन ऑफ समथिंग एंड मार्क लाइन सेगमेंट। पॉइंट को अपन क्यों यूज़ करते हैं? ताकि अपन किसी चीज़ की पोजीशन, मतलब उसका जगह बता सकें, किसी भी लाइन सेगमेंट जो लाइन होती है उसकी जगह बता सके कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे अपन क्वेश्चन आंसर में फुल स्टॉप लगाते हैं, लास्ट में पॉइंट लगाते हैं कि आंसर ख़त्म हो गया। अ पॉइंट इज सो स्मॉल डेट इज हैज़ टू बी ड्रॉन वेरी केयरफुली। देखो इस छोटे से ये जो ब्लैक डॉट है इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। बहुत छोटा होता है इसलिए इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना पड़ता है, बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है। ये देखो ये पॉइंट है, ठीक है। सेकंड है लाइन। लाइन क्या होती है? इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। अ लाइन हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। इट इज़ नेम्ड बाय अ स्मॉल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट और टू कैपिटल लेटर ऑफ मार्क ऑन इट। ये बोल रहा है कि लाइन जो है उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। दोनों तरफ से वो इनडेफिनेट होती है, उसका कोई निश्चित नहीं होता। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित और डेफिनेट मतलब निश्चित, ठीक है। उसकी निश्चित लाइन लेंथ भी हो सकती है कि मतलब या तो 3 सेंटीमीटर की होगी या फिर अनिश्चित होगी कि भैया होगी नहीं, किसी सेंटीमीटर की नहीं होगी। उसको अपन कैसे नाम देते हैं? देखो ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेकिन देखो इसको अपन इधर से और बढ़ा सकते हैं और इधर बी से भी और बढ़ा सकते हैं। बाकी अपने दो पॉइंट बना दिए उसने, ए और बी, ठीक है। इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है ना ए बी सी डी, तो जो ए कैपिटल और बी कैपिटल, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, या फिर अपने स्मॉल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ए स्मॉल आएगा और यहाँ पे भी बी क्या आएगा? स्मॉल आएगा, या तो कैपिटल हो या स्मॉल हो, ठीक है। थर्ड है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों दी? स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, सीधी लाइन। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। उसके पास कोई एंड पॉइंट खत्म, मतलब उसका कोई आखिरी पॉइंट नहीं होता, ना उसकी डेफिनेट निश्चित लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो कितनी लंबी होगी। स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड इन एनी डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में बन सकती है, जैसे कि एक्स बाय इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। उसको अपन क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। उसको अपन क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एक्स और बाय। सी डी इज़ अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। सी डी जो है वर्टिकल है, जो नीचे से ऊपर है, ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सी डी, ठीक है। आर एस इज़ अ स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन। स्लैंटिंग मतलब थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन स्ट्रेट तो है ना, देखो टेढ़ी जरूर जा रही है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है ना। वी कैन कॉल इट ऑब्लिक लाइन। अपन इसे क्या बोलते हैं? ऑब्लिक लाइन भी बोलते हैं। अपन ऑब्लिक लगाते हैं ना ऐसे करके।
फिर आती है कर्व्स लाइन। कर्व्स क्या होती हैं? कर्व्स लाइन आर फन लाइंस एंड कैन बी मेड एनी वे यू लाइक। कर्व लाइन कैसी भी होती है, फनी मजाक की कुछ ही बना दो, ये बना दिया, ये ऐसे ऐसे सर्कल ऐसे ऐसे गोला बना दिया, ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, कुछ ही बना दो, ये कर्व है मतलब घूमी हुई। कैसी होती है कर्व, मतलब घुमाऊ, घूमी हुई, देखो सी घुमा हुआ है ना, फिर ये घुमा घूम 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 के घूम घूम कैसे बन गया, फिर ये घुमाऊदार, फिर ये घूम गया, ठीक है। उसके बाद आती है लाइन सेगमेंट, थर्ड पॉइंट है आपका लाइन सेगमेंट। द स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। दो लाइन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हो, सीधी लाइन खींची हुई एल से लेकर एम तक, ये स्ट्रेट, ये लाइन कही लाइन सेगमेंट कहलाती है। हियर एल एम इज अ लाइन सेगमेंट, द पॉइंट एल एम एन आर कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये लाइन एल से स्टार्ट हो गई, एम पे खत्म हो गई, तो ये इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, शुरू कहाँ से हो रही है, एल से, एंडिंग पॉइंट क्या है, एम, खत्म कहाँ पे हो रही है, एम पे, इसलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड विद अ स्केल दैट इज इट इज इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। इसको अपन किससे मेजर करते हैं, स्केल से, ठीक है, या कि स्केल है, इससे अपन इसको मेजर करते हैं, नापते हैं, इसीलिए इसकी डेफिनेट लेंथ होती है, मतलब निश्चित है कि ये तो क्या, तो ये 3 सेंटीमीटर की होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की, कितनी भी सेंटीमीटर की होगी, तो निश्चित होता है इसका, लाइन का निश्चित नहीं होता। इट हैज़ नो विड्थ और थिकनेस, इसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, ना ही ये मोटी होती है, ठीक है, कैसी होती है, सिर्फ लंबाई होती है। फिर आता है रे, ए बी इज अ रे, इट हैज़ वन एरो हैड टू सो डैट इट कैन बी मेड लॉन्गर फ्रॉम द साइड ऑफ बी। देखो इसमें एक एरो होता है, एरो हैड, एरो हैड मतलब देखो जी ऊपर बनाया ना, ये लाइन जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, एरो, अब ऊपर आया था इसलिए हैड, तो ए बी इज़ अ रे, इट हैज़ वन एरो हैड टू सो डैट इट कैन मेड लॉन्गर फ्रॉम द साइड ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ए से स्टार्ट होगी और यहाँ पे अपन बी लिख सकते हैं, अब बी के बाद इसको अपन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहाँ से बढ़ेगी, इसको अपन इस साइड नहीं बढ़ा सकते, ए से इधर नहीं बढ़ेगी, लेकिन बी से इधर बढ़ सकती है जी। ये जो है ऊपर जो एरो हेड लिखा है इसका मतलब यही है, ऊपर वाला एरो हेड है ना, इसका मतलब क्या है कि एक लाइन अपन ए से स्टार्ट करेंगे, जब अपन इसको बी पे ख़त्म कर देंगे तो बी के बाद अपन इसको इस तरह और बढ़ा सकते हैं, मतलब जो थोड़ी और बढ़ा दी अपन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरह अपन नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। ए रे ए बी हैज़ वन एंड पॉइंट, इसका एक ही एंड पॉइंट होता है, द पॉइंट ए इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए बी। ए जो है इनिशियल पॉइंट है, मतलब यहाँ से इसको स्टार्ट करना है और यहाँ पे ख़त्म करना है, यहाँ से जो बढ़ भी सकती है, ठीक है।